पहले की खाओ जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। यू नो वॉट, हमें पलक को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम फाइंडिंग एडमिशन फॉर किड्स इन स्कूल्स, इट्स अ बिग टास्क सीरियसली। मैं ये सोच रही हूँ हम लोग सब ऑफिस चले जाएंगे, पलक घर में अकेली है। आई थिंक वी शुड गेट अ नैनी। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कौन से स्कूल में डालूं यार। अरे यार तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आई एम देयर ना। कोई जरूरत नहीं है पलक को स्कूल वूल भेजने की, मैं हूँ ना, मैं उसे पढ़ाऊंगी। यानी वो जो कुछ भी जानती है वो भी भूल जाए। Hi. Hi. What a pleasant surprise. और वो भी morning morning. बोलो क्या पियोगे? चाय, कॉफी, लस्सी? No thanks. आप लोग शायद ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। It's all right. आप लोग जाइए। मैं हूँ ना पलक का ध्यान रखने के लिए। Oh Ajay, you are so sweet. Come, let's go. Thanks Ajay. But I really don't think it's fair. Relax यार. देखो मेरे चाचा के भी 3 बच्चे हैं. Okay. So, babysitting का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और फिर जब तक तुम्हें पलक का ध्यान रखने के लिए कोई अच्छी मेड नहीं मिल जाती, I'm always there. मम्मा मम्मा, अंकल ने मुझे रोज कार्टून दिखाते, पिक्चर नहीं दिखाते। Bye बेटा। Okay guys, bye. Bye. पलक हम दूध पिएंगे। हाय। अरे आई एम टेलिंग यू ही इज सच अ स्वीट मैन। हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि पलक के लिए एक नैनी अरेंज करें, एंड देन ही कम्स अप एंड सेज तुम लोग जाओ, मैं हूँ ना। ही इज सो स्वीट सीरियसली। या आई फील द सेम। वैसे आई थिंक सैम शुड थिंक सीरियसली अबाउट हिम। पर सैम को समझाएगा कौन? आई इवन सॉ कल सारी पार्टी में वो पलक के साथ ही था, एंड ही वाज सिंसियरली एंजॉयिंग हर कंपनी। आई नो, वी ऑल्सो हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी, है ना। hmm. कितना अजीब है, कुछ दिन पहले पलक ऑर्फनेज में अकेली थी। आई मीन और भी बच्चे थे उसके साथ, बट कल रात उसके मुंह पे जो रौनक थी, इट मेड अस ऑल सो हैप्पी। यू बेट। वैसे कल रात मैंने और भी कुछ देखा पार्टी में। व्हाट? यही कि तुम समित के साथ बहुत ही घुल मिल रही थी। इज द कोल्ड वॉर ओवर और व्हाट? What do you mean by cold war? You know what I mean? नहीं यार, मैं बस समझ से ये कह रही थी कि जब वो पलक के साथ होता है, he is such a different man. और ऑफिस में ऐसे मुंह फुलाए, Mr. Serious. Well, वो रेडियो स्टेशन का MD है, बॉस है, तो थोड़ा बहुत तो he has to throw his weight around, है ना? But let me tell you Anna, he is a genuine man. मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मुझसे तो जब भी बात करता है, ऐसा लगता है that he really hates me. Not again, Ananya. Maybe he still feels कि अर्नव के यहाँ से जाने में you were instrumental, क्योंकि after all अर्नव उसका यहाँ right hand था, and more than that they've been the best of friends. अर्नव के यहाँ से जाने में ना ही तो मेरा fault था और ना ही समित इस बात को कभी समझेगा। Then why don't you just talk it out with him? अब जबकि तुम्हें पता है that he has a soft heart, then just clear out all the misunderstandings. Simple. अर्नव, this is one point जो मुझे थोड़ा I mean, it's a little confusing. We need to clear this out. ये contract तो मुंबई में बना था ना? नहीं, draft समित ने भेजा था. We got it made here. Just let me check it out. इसका phone off है. Try again. Hello, Radio Masti. How may I help you? Hello. Oh, hi, sir. How are you? I'm fine. Just a second. I'll just connect you. Ab aayega maza. Can you take the call, please? Sure, sir. Hello? Hello? Samit, this is Arnav. Can you hear me? Kiska phone? It's for you. But who is it? Aapka cabin hai. Jo bhi hai, aap hi se baat karna chahta hai.
All right. Hello? Oh, Arnav. हाँ बोलो. Okay. Hmm. Yeah. Yeah, you can keep that clause. Yeah, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. You're the boss there. You should take decision now. Just hang. तुम किसी काम से आए? जी सर, वो कुछ आइडियाज थे नए स्क्रिप्ट्स के लिए. So I thought आपसे डिस्कस कर लूँ. तो फिर जा क्यों गई? बैठो. Yeah, I'm absolutely fine with it. हम यही चाहते थे कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो क्लॉज रखा था. जहाँ तक मुझे ख्याल है, तुमने वादा किया था कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम के बीच में कभी नहीं आने दोगे. मुझे पता है सर आप क्या कहना चाहते हैं, पर लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर. अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए मेरे दिल में अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है. सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी. मैं तो सिर्फ इसलिए बाहर जा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि आपको प्राइवेसी मिल जाए टू टॉक टू हिम. आई वुड हैव कम बैक आफ्टर द कॉल. अनन्या, प्यार का दूसरा पहलू नफरत नहीं है, इट्स इंडिफरेंस. इफ समवन डज नॉट मैटर टू यू, तो कुछ भी हो, ही शुडंट अफेक्ट एट ऑल. यू आर राइट सर. ओ हाँ, वो तुम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती थी ना, नई स्क्रिप्ट्स की. शो मी. व्हाट हैपेंड अर्नव? शी वाज देयर इन समिट्स ऑफिस. उसने मेरी आवाज तो जरूर पहचानी होगी, पर मुझसे बात करना तो दूर. शी रिफ्यूज्ड टू इवन एक्नॉलेज मी. एक बात कहूँ अर्नव, देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग बैक हियर. आई थिंक अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए. And make a genuine attempt, दिल से. फिर से try and win her heart. वो बहुत नाराज है मुझसे. Arnav, you should be thankful for that. क्योंकि जब तक वो तुमसे नाराज है, तब तक you've got a chance. But the day she gets indifferent, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. In fact, you'll be in big trouble. You know, Arnav, unlike a man. एक लड़की अपने पहले प्यार को बहुत दिनों तक अपने दिल में रखती है, पर जिस दिन शी थ्रोज इट आउट ऑफ अ हार्ट, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. रीजन बीइंग शी कैन नेवर फॉरगेट द पेन कॉज टू हर. सो हरी अप अर्नव, हरी अप बिफोर इट्स टू लेट. I just went to Samit's cabin. एक फोन आया. Samit was busy. इसलिए फोन मैंने रिसीव किया. It was Arnav's. 6 महीने हो गए अर्नव को यहाँ से गए हुए. Do you still feel for him? I don't know, Jo. जब पहली बार दिल टूटता है ना, in fact, absolutely numb. उसके बाद there are waves of pain, और फिर in the end you just don't feel anything for that person. ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ हुआ ही नहीं था, किसी और के साथ ही हुआ होगा. और सब कुछ खत्म हो गया, ये कैसे पता चलता है? जो एक दिन सुबह उठो, दुनिया खूबसूरत लगने लगे और उसके बारे में तुम सिर्फ इतना ही सोचो that he's just another person in this world, life is wonderful without him. तब यू कैन बी श्योर दैट द पास्ट इज बरिड. पर ये सिर्फ तुम ही जान सकती हो, बिकॉज ओनली यू कैन फील इट, कोई और नहीं. अनन्या, जस्ट द पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. समित ने कुछ काम दिया है, वो नेट से कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है. बट यू नो व्हाट, मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है. वो पलक है ना, तो तुम मेरे लिए कर दोगी प्लीज? व्हाट इज इट? ये वेबसाइट की एड्रेसेस हैं, जस्ट फॉलो द लिंक्स एंड डाउनलोड. और एक काम करना, प्रिंटआउट्स निकाल के फाइल में डाल देना एंड समित को दे देना प्लीज. कम ऑन सैम, यू डोंट हैव टू से प्लीज टू मी, आई डू इट. थैंक्स इट अनन्या, ये लो.
Hi. Hi, how are you? I'm good. Actually, na, I wanted to confess something. You know what? I really liked you. But jab mujhe pata chala that you have a soft corner for Sam, tab maine decide kar liya. Main apne pyar ki kurbani de dungi. Sounds heavy duty, na? Kurbani and all. But it's true. I've decided to give you up. Give me up? Okay, so will you excuse me now? No. I'm not done yet. Tum ghar ja rahe ho na? Can you give me a lift? Ghar? Nahi. Main kisi kaam se ja raha hoon. Kaam se? Okay. To tum apna kaam khatam karo aur phir hum ghar pe milte hain. Okay? Bye. Pata nahi yaar. क्या बकवास करे जा रही थी ये? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ काम था ना? How come you've reached home before me? अरे, शर्ट भी बदल ली। You just met me a while ago, और इतनी जल्दी कपड़े भी चेंज हो गए, तुम घर भी पहुंच गए, और वो भी मुझसे पहले। उदिता, I think the sun's got to you। या तो फिर तुम्हारा स्क्रू कहीं गिर गया, क्योंकि अजय यहाँ पिछले एक घंटे से पलक के साथ खेल रहा है। तुम पता नहीं किसकी बात कर रही हो? She's right. ये प्रिंट आउट्स आपकी टेबल पे रख दिए हैं। अनन्या, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामा, बस यही कि जब मैं इस शहर में आई थी, I thought this is a city of opportunities. हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जो चाहे पा सकते हैं. But now I'm really confused, मामा. हुआ क्या बेटा? मामा, लगता है इस शहर में लोगों को काम के सिवा और कुछ आता ही नहीं. हर वक्त बस काम, काम और काम. As if life में और कुछ है ही नहीं. और फिर इतना थक जाते हैं कि और कुछ करने के लिए उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती. एंड द नेक्स्ट डे द सेम स्टोरी ऑल ओवर अगेन. लगता है लोग जीने के लिए काम नहीं करते, बल्कि काम करने के लिए जी रहे हैं. आई मीन, डोंट यू फाइंड इट वियर्ड? बात क्या है अनन्या, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ मम्मा, आज जब मैं समित के ऑफिस में एक फाइल देने के लिए गई तो देखा वो वहीं सो रहा था. ही वॉज लुकिंग सो वल्नरेबल. कितना अकेला लग रहा था वो. आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये वही समित है. So strict, हर वक्त काम प्रोफेशनलिज्म की बातें करता रहता है. और आज he's in such a state. Why?
अनन्या, इसके दो रीजंस हो सकते हैं. एक तो ये कि ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप, अपने आप को प्रूव करना चाहता है. वो दिन रात एक करके मेहनत करके अपने टारगेट्स अचीव करना चाहता है. या फिर ये कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि वो बिल्कुल तन्हा है, अपनी कामयाबी शेयर करने के लिए कोई नहीं है उसके पास. हाँ मामा, उसकी फैमिली न्यूयॉर्क में है. यही तो कहना चाह रही हूँ मैं. ही हैज़ नो वन टू गो होम टू. देखो, ऐसा नहीं है कि काम करना बुरा है. जिंदगी में अगर कोई मकसद ना हो तो वो जिंदगी किस काम की. बट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. मुझे लगता है उसकी जिंदगी में बहुत ही खालीपन है. जब मुझे मिला था वो तभी बहुत भला इंसान लगा था. आई थिंक उसे थोड़ी सी खुशी और प्यार की ज़रूरत है. मम्मा, आपको ऐसा क्यों लगा? आई डोंट नो, मे बी आई गॉट गुड वाइब्स फ्रॉम हिम. पर बेटा, आप यहाँ कैसे रहोगे? आपको डर नहीं लगेगा? मैं डरती थोड़ी किसी से, मैं तो बेवस रहूंगी. अच्छा, फिर ये दूध पी लो. दूध? बच्चा हरे अपना बच्चा, मम्मा को देर हो रहा है. मम्मा, पर वो अंकल कहाँ है? कौन से अंकल? वो जो मुझे ढेर सारे चॉकलेट देते और मेरे साथ जो खेलते भी है. कौन? वो वाले अंकल. ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? लुक अजय, इट्स रियली नॉट फेयर. व्हाट? देखो, मैंने नेवर से बात कर ली है. शी इज अ हाउसवाइफ. वो भी दिन भर अकेली रहती है और वो पलक का ध्यान रख लेगी. यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस अजय. नो नीड. नो नीड फॉर व्हाट? नो नीड एट ऑल. ओके, पलक का ध्यान मैं ही रखूंगा और वो भी इसी घर में. पलक कहीं नहीं जाएगी. इज दैट राइट? अजय, आई डोंट थिंक यू हैव टू गो थ्रू दिस. बट इफ आई वांट टू? व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? पता है, मैं हमेशा यही सोचता था. मैं घर पर रहूं, बच्चों की देखभाल करूं, यू नो, गिव देम अ बाथ, ड्रेस देम अप, फीड देम. और फिर ये किस किताब में लिखा है कि हस्बैंड ही बाहर जाकर काम करे और वाइफ घर पर रहे? हाँ, लिसन, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. तुम ऑफिस जाओ, आई लुक आफ्टर पलक. कहीं ये तुम्हारे प्रपोज करने का नया स्टाइल तो नहीं? यू डोंट बिलीव मी? मैं सच कह रहा हूँ. ओके, एंड आई ड्रॉप यू टू द ऑफिस नाउ. सोचो यार, ड्राइवर कम नैने कम मेड कम कुक, मैं इतना अच्छा ऑल इन वन पैकेज डील तुम्हें कहाँ मिलेगा? एंड डोंट वरी, शाम को तुम्हें दाल और सब्जी का हिसाब भी मैं दे दूंगा. इट्स गोना बी अ रॉकिंग इवनिंग मैन. राइट, रेडियो मस्ती की न्यू ईयर इवनिंग पार्टी, वी ऑल वेट फॉर इट पूरे साल. और अनन्या की ये पहली न्यू ईयर पार्टी होगी ना रेडियो मस्ती के साथ? अरे, पिछला साल कितना जल्दी चला गया, पता ही नहीं चला. एक बात बताओ, हर साल के एंड में सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पिछला साल इतनी जल्दी चला गया? इस साल में कम दिन थे क्या? पॉइंट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता था. आंसर्स एनीवन? टेल मी, टेल मी. कुछ भी कहो गाइस, इट्स लोड्स ऑफ फन एट आवर पार्टी. राइट, हैप्पी न्यू ईयर सर. सेम टू यू. लेकिन अभी भी कुछ घंटे बाकी सर. लेकिन पार्टी का माहौल तो अभी से शुरू हो गया. एनीवेज सैम, थैंक यू सो मच फॉर दोस प्रिंट आउट्स. जस्ट अ रिसर्च आई वांटेड. लेकिन उनके लिए तुम्हें काफी रात तक ऑफिस में रुकना पड़ा होगा. यू शुड स्पेंड द टाइम विद फलक. और प्रिंट आउट्स तो मुझे सुबह भी दे सकते थे वो. एक्चुअली सर, मैं तो घर जल्दी ही चली गई थी. सारा काम अनन्या ने किया है. वो यहाँ पर काफी लेट तक थी एक्चुअली. देन आई मस्ट थैंक यू अनन्या. लेकिन तुमने मेरे केबिन में मेरी टेबल पे प्रिंटआउट्स कब रखे? मैं तो ऑफिस में था. तुम कब आई कब गई मुझे पता ही नहीं चला. शायद आप बहुत थक गए थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा. सो आई जस्ट लेफ्ट द प्रिंटआउट्स ऑन योर टेबल एंड लेफ्ट. या यू एब्सोल्युटली राइट. या मैं काफी थक गया था. एनीवेज थैंक यू सो मच वंस अगेन. बाय.